नमस्कार, विभाग विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए जिस पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा हुई है और हमने ये समझा था और ये आशा व्यक्त की गई थी सभी पक्षों द्वारा कि अब इस विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि किसी अरुचिकर विवाद को अनावश्यक तूल देकर आगे बढ़ाने से बेहतर होता है कि समय रहते उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। अन्यथा अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है तो खतरा रहता है भानुमती के पिटारे के खुल जाने की। जी हाँ, पवन खेड़ा के मामले में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से असभ्य भाषा का प्रयोग किया। मैं यहाँ कथित इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे जुबान फिसलने का मामला निरूपित किया, लेकिन असम में उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हुए जिस पर असम पुलिस आई और ये जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के बैठक में शामिल होने के लिए विमान में दिल्ली में बैठ चुके थे, असम पुलिस आई और दिल्ली पुलिस की सहायता से उन्हें उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपने आप में विचित्र घटना है, काफ़ी हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप किया और उन्हें जमानत मिली, वे छूट गए। निचली अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, निचली अदालत ने उनको नियमित जमानत दे दी। ऐसा लगा कि अब विवाद पर पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा इस मामले को तूल नहीं दिया जाता, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह कहा है कि इस मामले की तार्किक अंजाम तक लेकर जाएगी पुलिस। ध्यान रखिए, खेड़ा मामले के संबंध में उन्होंने ट्वीट किया कि इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस है। क्या है तार्किक अंजाम? मेरा स्पष्ट है कि इसे वे तूल देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस विवाद को समाप्त नहीं करना चाहते। ये अपने आप पे विडंबना है। विडंबना इसलिए कि वही हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री यह भी ट्वीट करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हमें कोई राजनीतिक चर्चा में असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या आगे बढ़कर उनका इस्तेमाल हम उम्मीद आशा करते हैं कि कोई भी सार्वजनिक चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में असभ्य भाषा के इस्तेमाल नहीं करेगा। यह एक संवैधानिक पूर्ण टिप्पणी है, लेकिन इसके बावजूद जब वे यह कहते हैं कि असम पुलिस खेड़ा के मामले में तार्किक अंजाम तक ले जाने तक शांत नहीं बैठेगी, तब ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर पवन खेड़ा के मामले को तूल दिया जा रहा है और इसे एक राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि इसमें कई खतरे मौजूद हैं। हो सकता है असम पुलिस उनकी है, उनका शासन है, वे जिस प्रकार से खेड़ा को गिरफ्तार किया गया आगे भी ऐसी कुछ कार्रवाई हो, अनेक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मामला शांत नहीं होगा, मामला बढ़ेगा और तब जिस भानुमती के पिटारे की बात मैंने कही, सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, हालिया घटनाएं हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं है। आजादी के बाद से अगर देखा जाए, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अन्य किसी दल मिलीजुली सरकार रही हो, हर शासन काल में राजनेता अपना संयम खो एक दूसरे पर जब वार करते रहे हैं तो सारी सीमा को लांग गए हैं, नैतिकता की सारी उन सीमाओं को लांगते हुए निजी प्रहार किए हैं
जिसमें असभ्य अभद्र आपत्तिजनक शब्दों व भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अगर जैसे उन्होंने कहा कि अगर तार्किक परिणति की बात होती है तो पिटाई भानुमति का पिटारा खुलेगा, वो सारी बातें आएंगी जिसमें हर पक्ष के नेता कटघरे में खड़े मिलेंगे। तो क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ऐसा कुछ चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मामला तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कहीं किसी अन्य अंजाम तक न पहुंच जाए, जो रुचिकर तो कदापि नहीं होगा हर पक्ष के लिए। मैं बता दूं, हर पक्ष के लिए, स्वयं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में खड़े नजर आएगी। कांग्रेस तो आएगी ही, अन्य दल भी आ जाएंगे, अन्य दल भी। जैसा मैंने कहा कि इसमें सभी कभी न कभी किसी अवसर पर ऐसे अपराध के दोषी बने रहे। अतः बेहतर तो यह होता जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जो टिप्पणी की और जिस प्रकार से क्षमा मांगी पवन खेड़ा ने, पवन खेड़ा ने क्षमा मांगी और सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से उनके वकील ने कहा वो बिना शर्त आगे भी क्षमा मांगेंगे, वो तैयार है। तो इस मामले को वहीं समाप्त होने जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला समाप्त नहीं हो करके इसे बढ़ाने की एक रणनीति तैयार कर ली गई है जिसके सूत्रधार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। हेमंत बिश्व शर्मा एक अनुभवी राजनेता है और जिस प्रकार से असम में उन्होंने सत्ता संचालन किया है उसकी प्रशंसा की जाती रही है। इस बीच अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह के आपत्तिजनक बयान उनके आते हैं, तब राजनीतिक विश्लेषक यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। क्या सचमुच सत्ता पक्ष वैसी किसी रणनीति पर चल रहा है कि आगे आने वाले आम चुनाव अर्थात अब कुछ वहां रह गए हैं 2024 के आम चुनाव तक पूरे देश को ऐसे विवादों में उलझा कर रख दिया जाए जिससे जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो चुनाव में मुद्दे बनने चाहिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं हो। क्योंकि अगर इन मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह तो निश्चित है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव सत्ता पक्ष पर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही उससे ऐसा लगता है कि एक रणनीति कहीं बन चुकी है जिस रणनीति के तहत ऐसे मुद्दों को सामने नहीं लाने देना चाहिए। यहां पर एक और पीड़ादायक प्रसंग यह सामने आता है कि हमारी मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। मीडिया का काम, हम पत्रकारों को काम सत्ता को आईना दिखाना होता है, यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और यह आईना हम इसलिए दिखाते हैं ताकि सत्ता पक्ष को अपने चेहरे पर लगे काले दाग धब्बों की जानकारी हो सके, ताकि वो उसे साफ करने की दिशा में कदम उठाए, उसकी सफाई करे। यह उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं किया जाता है, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम आईना दिखाते हैं। लेकिन अभी यह देखा गया है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, जिससे पूरे देश की जनता त्रस्त है, जिस पर भी बहस होनी चाहिए, विवाद होना चाहिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, आज अधिकांश खबरिया चैनल अर्थात मीडिया इस पर मौन है। आपने कहीं चर्चा करते किसी डिबेट में देखा जो शाम के समय प्राय सभी खबरिया चैनल जो बहस कराते हैं, डिबेट कराते हैं, किन विषय पर करवाते हैं? हिंदू मुसलमान, जात पात, रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा? लेकिन यह जो है मुद्दा महंगाई का
और बेरोजगारी का जिससे देश की जनता सीधे सीधे प्रभावित है, और उन खबरिया चैनलों के जो करोड़ों जो दर्शक है वो प्रभावित है, उनकी चिंता उन्हें नहीं है। उनकी चिंता ऐसे है कि मूल मुद्दों से देश का ध्यान कैसे भटकाया जाए, अर्थात जो रणनीति बनी हुई है सत्ता पक्ष की, उसमें मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। वो एक सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, वो तटस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हुए किन्हीं कारणों से, मैं उनकी नियत पर मैं पहला बता दूं, मैं उनकी नियत पर संदेह नहीं प्रकट कर रहा, क्योंकि पिछले लगभग 6 दशक के संपादकीय अनुभव के बाद मैं यह कहने की स्थिति में तो हूं ही कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है, बन जाती है, जहां मजबूरन वे मौन हो जाते हैं। लेकिन इस इतिहास के पन्नों में वो आपातकाल का वह दौर भी है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप लगा दिया था, कलम कैद कर ली गई थी, लोगों की जुबान कैद कर लिए गए थे, और जिस देश में शब्द और जुबान कैद कर लिए जाए वहां लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध होती है। लेकिन वह देश की जनता थे, ये भारत देश की जनता थे जिसने उसका प्रतिकार करते हुए सत्ता पक्ष को, इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री को चुनौती दी, और जनता सड़कों पर आई, और फिर जनशक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिकती है, वो प्रमाणित हो गया, जनता की विजय हुई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार खुद चुनाव हारी, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी थी, और जनता की इच्छा सर्वोपरि चिन्हित की गई थी। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है बावजूद इसके, और उस समय यह भी बता कि मीडिया की जो भूमिका थी सेंसरशिप के बावजूद कई रास्ते निकाले गए, कई तरीके ढूंढे गए लोगों के समक्ष वास्तविकता पेश करने के लिए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और उसमें मीडिया उस समय सफल रहा था। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि अब टेलीविजन का जमाना है, खबरिया चैनलों का जमाना है, वह सीधे सीधे जनता को संदेश पहुंचाने में सक्षम है और जनता को प्रभावित भी करता है। ऐसे में अगर वह अपने करोड़ों दर्शकों की इच्छा, उनकी भावना, उनके जो परेशानियां हो रही हैं महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर, उसे अगर वे सार्वजनिक नहीं करते, उनके परिणामों से सत्ता पक्ष का ध्यान नहीं खींचते, उन्हें अगर चेतावनी नहीं देते, तो यह स्वयं दर्शकों के साथ विश्वासघात होगा, अर्थात देश की जनता के साथ विश्वासघात माना जाएगा। इसे कैसे भूल जाते हैं हमारे चैनलों के संपादक, संचालक, पत्रकार, एंकर, यह एक अपने आप में यह सोचनीय विषय है। मैंने कहा कि कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन वैसी मजबूरियां नहीं है जिनका सामना ये नहीं कर सकते हैं। मैंने आपातकाल का उदाहरण इसलिए दिया कि उस समय तो घोषित आपातकाल था, सेंसरशिप था, बावजूद इसके तरीके निकाले गए और अपनी बात को जनता के सामने, अर्थात उन दिनों चैनल नहीं थे, पाठकों के सामने अखबारों पत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाए गए, बहुत सारे तरीके निकाले गए, यहां तक कि हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली गई, लोगों के पास घर घर पहुंचाए गए। वह काल था, वह एक जज्बा था जनहित में, जनता के पक्ष में, देश के पक्ष में। आज जब हम एक सफल लोकतंत्र के नागरिक हैं, एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी प्रशंसा जब पूरे वैश्विक स्तर पर होती है, तो फिर आज हमारा मीडिया, हमारे पत्रकार, हमारे कलमची, हमारे एंकर मजबूर क्यों है? यह एक सोचनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मैंने कहा पवन खेड़ा के संदर्भ में जो चर्चा अभी हो रही है, उसमें मीडिया भी अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करे, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, इसे इस वाक्य को पूर्ण विराम दें
इसे तूल देकर आगे न बढ़ाएं। अगर इसे भी आगे बढ़ाते हैं, इसे तूल देते हैं, तो मैं यहां चेतावनी के रूप में उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह काउंटर प्रोडक्टिव अर्थात प्रति उत्पादक सिद्ध होगा स्वयं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। क्या वैसे चाहेंगे? आप चर्चा कर लें। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे विचारकों की लंबी पंक्ति मौजूद है, वो चर्चा करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ यह गलत है। किसी अरुचिकर विवाद को आगे बढ़ाने में किसी का भला नहीं होता, ये समाज में गंदगी पैदा करती है। सभी जानते हैं कि अरुचिकर बातों से स्वयं को अलग रखना चाहिए, फिर आप उसे तूल देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या होगा तार्किक अंजाम? आप जेल भेज देंगे, कुछ और मामले दर्ज करेंगे। लेकिन जैसा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका रही, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट किया, सलाम किया, तो आज हमारी न्यायपालिका, हमारे निष्पक्ष न्यायपालिका मौजूद है। वैसे में कोई भी पक्ष अगर वो चाहेगा कि अलोकतांत्रिक ढंग से किसी के साथ निजी राजनीतिक स्कोर सेटल किया जाए तो वो संभव नहीं है, इसकी इजाजत देश नहीं देगा। यहां मैं बता दूं, किसी राजदल के समर्थन या विरोध की बात नहीं है। यह एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सीधे सीधे हमारा लोकतंत्र शामिल है। लोकतंत्र की नींव पर प्रहार की बात होती है, उसकी रक्षा हम करना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे प्रसंगों को, पवन खेड़ा जैसे प्रसंग को, जिसे हमने समझा था कि यह मामला खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की घोषणा के बाद ऐसा लगता है कि पूर्ण विराम नहीं हुआ, वो तो तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की बात करने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनके सलाहकार उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। इस बात को हेमंत विश्व शर्मा ध्यान से समझ ले, क्योंकि जिस प्रकार मैंने कहा कि आज असम सरकार एक मॉडल के रूप में काम कर रही है देश की राजनीति में, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसे और आगे बढ़ाए, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे, स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये अंजाम की बात करते हैं तो जाहिर है कि यह निजी कुंठा की बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है। यह निजी कुंठा की तृप्ति के लिए वे इसे अंजाम तक, कथित अंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करें और ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे देश की राजनीति में कोई अरुचिकर विवाद पैदा हो। फिर दोहरा दूं, अगर जब ऐसे अरुचिकर विवाद पैदा होते हैं तो भानुमति का पिटारा खुल जाता है, पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, उसका फिर कोई अंत नहीं रहेगा आरोप प्रत्यारोप के। ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप सामने आएंगे जिससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा, सभी के सभी कटघरे में खड़े रहेंगे। तो क्या हेमंत विश्व शर्मा या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है? मैं नहीं समझता वो कभी ऐसा चाहेंगे। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें। आवेश में अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया, ठीक है, ऐसा कभी कभी राजनीति में हो जाता है, लेकिन उस पर पुनर्विचार करें, उसमें संशोधन करें और पूरे देश को यह दिखा दे, देश की राजनीति को दिखा दे कि स्वच्छ और स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अधिकार सभी को है। कोई अगर असभ्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो कानून उनके खिलाफ काम करेगा, लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक रूप से अगर प्रताड़ित करने की कोशिश व्यक्ति विशेष या दल विशेष को करते हैं तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। पवन खेड़ा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, अदालत के सामने माफी मांग ली है, भविष्य में भी माफी मांगने की बात वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि उनकी यह जो मंशा ऐसी नहीं थी, यह जुबान फुसलने का मामला था, इसको पूर्ण विराम लगा दिया जाए। इसे अगर कोई संदेह भी है तो संदेह का लाभ देते हुए भी हेमंत विश्व शर्मा को चाहिए वो पवन खेड़ा के मामले पर पूर्ण विराम लगा दें, उसे आगे बढ़ाते हुए किसी अंजाम तक पहुंचने की बात नहीं करें। अन्यथा अगर ऐसा होता है, आगे बढ़ाते हैं, तो जब वे स्वयं कटघरे में खड़े होंगे तब उन्हें निश्चय ही अपने निर्णय पर, अपने कदमों पर पछतावा होगा। धन्यवाद।